हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहा है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। पूजा मैंने कर लिया है, यहाँ पे धूप जला दिया है, अंदर है शंकर भगवान की मूर्ति वगैरह है तो वहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पर जल चढ़ा देती हूँ तुलसी माता के पास, और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। देखिए प्रांशी सोई है और देखिए प्रांशु जगता है। आवाज सुनते ही प्रांशु मेरा जग जाता है ना। पछु पछु रे, ओ पछु, कौन है भाई, कौन है भाई? देखो ये आज हो गया, बाबू के ऊपर सो रहे हो। ये है प्रांशु का बाबू, है ना पांशु। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, इसका बनाऊंगी मैं बिस्तर। ये है बेडशीट, मम्मी के बेड पे बिछाया जा रहा था तो देखिए कितना खराब हो गया है। इस तरह से ये फोल्ड हो जाता है, मतलब अंदर की साइड हो जा रहा था जब तक इसका यूज़ की। अभी तक यूज़ कर रही थी, वो सोच रही थी कि दिवाली तक चल जाए, इतना दिवाली की नया बिछाई है, अब इसको दे दी है। तो इसका मैं छोटा सा बिस्तर बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं सुसु वगैरह करते हैं तो बेड पर बिछाने के लिए काम आता है। तो इसी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज, क्योंकि ये ना मम्मी को लेकर जाना है, है मेरी जेठानी जी की, जी को होने वाली है डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला, तो फिर उनको चाहिए तो उन्हीं के लिए मैं बनाऊंगी। तो अभी 7 बज गया है, प्रांसी 7:40 पे यहाँ से निकलेगी, तो पहले उसके लिए मुझे टिफिन बनाना है। तो देखिए ये बेडशीट अच्छी लग रही थी, इसकी कलर वगैरह सब अच्छे लग रहे थे मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, फट गया। तो अभी मैं किचन का काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ और फ्रेंसी को स्कूल भेज लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अभी खाना वगैरह बन गया था और मैं आ गई थी यहाँ पे, इतना ही दूर की सफाई करनी रह गई थी, बाकी सारे रूम की सफाई हो गई है, बस इतना ही। ये जाली के पास ये अलमारी जो है मेन यही था साफ करना, और ऊपर जाले थोड़े बुने लगे थे तो उसको निकालने थे। तो यहाँ पे मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दिया है, ये सब साफ हो जाएगा तो छत पे धोना रह जाएगा। छत धोना है क्योंकि वहाँ पे बादाम तिल्ली ये सब सुखाया गया था, तो मिट्टी मिट्टी लगा है थोड़ा थोड़ा, तो जब धो जाएगा तो फिर दिवाली तक एकदम हम लोग खाली हो जाएंगे। दिवाली तक क्या, फिर अगली दिवाली पे ही ऐसी सफाई होगी, बीच में तो होती नहीं है। हाँ होती है, होली पर होती है, तो होली पे इतना अच्छे से तो सफाई नहीं होता है। किचन वगैरह हो गया, किचन, बेडरूम ये सब हो जाता है, जैसे स्टोर रूम, बरामदा, ये सब एकदम कोने कोने का चीज़ जो है वो निकाल कर नहीं सफाई होता, बस ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है जो सामने सामने दिखता है। तो ये दिवाली पे तो एकदम कोने कोने की चीज़ें जो होती हैं वो सब निकाल कर साफ किया जाता है। तो अभी यहाँ पे जो डब्बा है इसमें कुछ सिलाई के सामान रखे हैं, नीचे का जो बड़ा वाला डब्बा है उसमें प्रांशु की दवाई मैंने रख दी है, क्योंकि पहले मैं प्रांशु की दवाई अपने बेड के पास और अलमारी है वहीं पे रखती थी। तो ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों ने टोका है कि ऐसे मत रखा करो, सिर के पास बच्चे बीमार रहते हैं, तब से मैंने इसको हटा दिया। सच में यार मुझे तो लगता है कि इसके रहने से ज़्यादा बीमार होता था, इसको मैंने दूर रखना स्टार्ट कर दिया तभी से। आज 6-7 महीने से मैं दवाइयाँ दूर रखती हूँ बाबू के आसपास से, मतलब सबके आसपास, मैं अपने पास भी नहीं रखती दवाई, दूर रखती हूँ, दूसरे रूम में रखती हूँ। तो थोड़ा सा सच में अच्छा लगता है, ऐसा बीमार वीमार तो नहीं हो रहा, नहीं तो प्रांशु ना महीने में 20 दिन ही बीमार, 20 दिन बीमार रहता, 10 ही दिन ठीक रहता था, ऐसे इसका टाइम निकला है कम से कम 10 महीने तक। तो इसको दूर रखने से मुझे थोड़ा बहुत फायदा मिला है। तो ऐसे आप लोग भी करिएगा, दवाई बच्चों के पास मत रखिए, अपने सामने मत रखिए, और सिर के पास तो बिल्कुल मत रखा करिएगा। तो यहाँ पे मैं जितने सारे डब्बे हटाई थी वहाँ पे सब अच्छे से पोंछ कर रख रही हूँ। अलमारी भी मैंने साफ कर लिया है, इसमें देखिए थोड़े बहुत गंदे लगे थे तो उसको भी मैंने साफ कर लिया है, और यहाँ पे एक पेपर बिछा दूंगी। फिर बिछाने के बाद ये मम्मी का दूसरे वाला जो अलमारी है इसमें मम्मी का शीशा रहता है, और एक डब्बा है उसमें बिंदी, सिंदूर, जो भी थोड़ी जैसे रबड़ हो गया, यही सब
थोड़े मोड़े चीज़ रखी हैं उसमें, तो उनका यहीं पे वो तैयार हो जाती हैं। मैं तो अपने रूम में होती हूँ और उनके रूम में भी है, तो वो यहीं पे ना आकर आती हैं तो तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए प्रांशु सिंह आ गए हैं, ये पिचकारी है होली का, तो अभी तक रखा हुआ था, अभी कबाड़ में से निकला है, तो ये लेकर बाबू को खेल रहा है, बोल रहा है इसमें से नहीं निकल रहा है, पानी भरा होता तब तो निकलता, तो नहीं निकल रहा था, वो मुझे बोल रहा है नहीं मम्मा नहीं ऐसा बोल रहा था, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाबू बोलता है हमेशा मम्मा देख मम्मा गिर मम्मा घाव मम्मा मायस, मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है ना, जैसे गिरेगा तो बोलता है मम्मा गिर, और उसको चोट लग जाती है तो बोलता है मम्मा घाव, अगर कोई डांट देता है तो बोलता है मम्मा मायस कि मतलब मुझे मार दिया, ऐसे छोटी छोटी बातें बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। टूटी फूटी भाषा में उसको जो भी आता है बोलता ही रहता है, और हमेशा जब तक जागेगा तब तक चलता ही रहता है। और बेचारे की मालिश कभी कभी मैं शाम को रात में करती हूँ, कभी हो भी नहीं पाता। तो देखिए यहाँ पे मम्मी बड़ी बनाएंगी, तो उसके लिए उतैला का दाल है, ये मूंग का दाल, उसी को पीस रही हैं। अब भिगाई हुई थी तो कल पड़ जाएगा बड़ी, और जो ठंडी का मौसम में मटर पीस कर बनता है तो उसमें डाला जाता है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये तुलसी माता है, ये 2 साल पुरानी है, तो देखिए चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, ये सूख जाती हैं कुछ दिन पे, महीने भर में 1 बार 2 बार सूखती ही हैं। तो देखिए अभी भी इनके पत्ते यहाँ देखो मुरझाई हुई थी, ये तो आया लगाने के लिए, मैं मंगाई थी अपने खेतों में थी उगी हुई थी, तो इनको मैंने मंगाया था कि लगा देंगे, अब ये रात का टाइम हो गया था तो पौधे पत्ते वगैरह नहीं तोड़ते, तो मैं कुछ भी नहीं की। अब कल सुबह जब सूरज भगवान उग जाएंगे, खाना बनाने के बाद फ्री हो जाऊंगी, तो ये गमले में मैं छोटी वाली तुलसी माता का पौधा लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए शैतान सिंह, मैं तेल रखी रहूँगी सिर पे लगाने वाला, तो पूरा एकदम सिर में लगा लिया, पूरा एकदम सिर ऐसे जैसा लगता है नहा लिया था, तो उसको मैंने साफ किया। तो फ्रेंड्स अभी रात के हो रहे हैं, 7:40 हो रहा था, यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, सब्जी एक साइड बन रहा है एक साइड रोटी, तो आज मैं बना रही थी सूरन की सब्जी और रोटी, दूध पक रहा है छत पे, तो आज के खाने में बस यही बनने वाला है। यहाँ पे मैं अपना खाना भी बना रही थी और प्रांसी को भी पढ़ा रही थी। तो अभी जो है कि दिवाली का जो टाइम चल रहा है, तो इसमें सिलाई ना नहीं हो पा रही है, मुझे सिलना तो बहुत कुछ है लेकिन मैं टाइम ही नहीं मिल रहा है, घर की सफाई में पूरा पूरा दिन लग जाता है, फिर थकावट महसूस होने लगती है, तो मन नहीं होता है कि मैं कुछ काम करूं। आज टाइम तो मिला था मुझे 3 घंटे, लेकिन मैं दोपहर में मैं बाबू को सुला रही थी, फिर मेरी आंख लगी, मैं 3 घंटे तक सोई रह गई, क्योंकि रात में नींद नहीं पूरा होता और बच्चों को सुलाने जाओ तो ऐसे भी नींद लग जाती है उनको सुलाते सुलाते, तो मेरा जो काम है ना सिलाई का वो रह गया था। तो अभी शाम का काम करना है, और कुछ सफाई जब मैं करने लगी थी तो उसमें भी मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, तो ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया। आज रात में अगर बाबू इतना 3-4 घंटे सोया है तो फिर वो सोएगा भी नहीं, इसकी वजह से मैं सिलाई रात में भी नहीं कर पाऊँगी। अगर वो दिन में कम सोता है तो मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम से जब सोता है 10:30 बजे तक भी सो जाता है, तब भी मैं अपना काम करना सिलाई करना जारी रखती हूँ, क्योंकि सिलाई मेरा मेन काम है, तो वो मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।